एक बेवकूफ़ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और अक्लमंद इंसान की पहचान उसकी खामोशी से। जो लोग आपकी बात को अहमियत नहीं देते, खामोशी ही उनके लिए बेहतरीन जवाब है। इसलिए दो बातें अपने अंदर ज़रूर पैदा करो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ करने से बड़ा कोई सज़ा नहीं। ज़िंदगी बर्फ़ की मानिंद है, इसको अच्छे कामों में गुजारो, वरना ये पिघल तो रही है, ख़त्म भी हो जाएगी। हर अमल सोच समझ कर करो, क्योंकि हर अमल के अंदर उसका अंजाम यूं छुपा होता है जैसे हर बीज के अंदर दरख्त। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे ही होते हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखते हैं। दोस्तों, कोशिश करें जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजारें, क्योंकि जिंदगी तो नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर उनमें एक फ़र्क ज़रूर होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है ना तब्दील। हज़रत अली ने क्या खूब कहा, इतने खुश्क ना बनो कि तोड़ दिए जाओ और इतने नरम ना बनो कि निचोड़ दिए जाओ। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। किसी ने क्या खूब कहा, जिसने रुजू किया वो पा गया, अना में जो रहा वो रह गया, जो तन्हा रहा वो फना हुआ, ना मैं रहा ना तू रहा, जो झुक गया वही सब पा गया। Thank you.